Subscribe our channel for more videos and press the bell icon for getting the latest updates. Hello friends, a very happy new year friends. फ्रेंड्स हम ये वीडियो इसलिए शूट कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें न्यू ईयर के बड़े दो स्पेशल गिफ्ट्स दिए हैं कंपनीज एक्ट के रिगार्ड में. सो सर गवर्नमेंट ने हमें गिफ्ट्स दिए हैं. हाँ बेटा गवर्नमेंट ने हमें गिफ्ट्स दिए हैं. इसमें से एक गिफ्ट हमें हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट की तरफ से मिला है एंड एक गिफ्ट हमें MCA की तरफ से मिला है. सो बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स अनरैप दोज गिफ्ट्स. बेटा इसमें से पहला गिफ्ट जो है वो है कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2017 के रिगार्ड में. बेटा मुझे कंपनीज अमेंडमेंट बिल पे बच्चों की काफ़ी क्वेरीज आ रही है कि सर ये बिल जैसे आजकल काफ़ी न्यूज़ में चर्चा में है तो क्या ये हमारे लिए एप्लीकेबल है, क्या ये आ चुका है, क्या चेंजेस आए हैं इससे. सो बेटा पहले इस पे कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2017 पे जाने से पहले हम देखते हैं कि एक अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है, उसका क्या रोल होता है. तो बेटा जैसा कि हम सब जानते हैं कंपनीज एक्ट 2013 वो अगस्त 2013 को उसको प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया था. सो बेटा जब भी कोई एक्ट आना होता है तो एक बिल बनाया जाता है, उस बिल को लोकसभा पास करती है, फिर राज्यसभा पास करती है एंड देन प्रेसिडेंट उसे अपना असेंट देते हैं, तब जाके वो एक एक्ट बनता है. तो बेटा जैसे कंपनीज एक्ट को अगस्त 29 को प्रेसिडेंट का असेंट मिल गया था एंड वो एक्ट बन गया था. अब उस एक्ट के डिफरेंट प्रोविजंस ओवर द टाइम इन्फोर्स आ रहे हैं. अब उन प्रोविजंस में अगर कोई चेंजेस गवर्नमेंट को करने हैं या उस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट को कोई एग्जिस्टिंग सेक्शन को हटाना है या फिर कोई नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करना है तो गवर्नमेंट लाती है कंपनीज अमेंडमेंट बिल. उसे गवर्नमेंट फिर से लोकसभा से पास कराती है, राज्यसभा से पास कराती है एंड प्रेसिडेंट का असेंट लेती है एंड जब वो बनता है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट एंड वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस में चेंजेस लाता है. तो सर क्या ये कंपनीज अमेंडमेंट बिल पहला 2017 पहला अमेंडमेंट बिल है कंपनीज एक्ट 2013 के रिगार्ड में? नहीं बेटा, इससे पहले कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 एनफोर्स हो चुका है. तो इससे पहले कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 ऑलरेडी एनफोर्स हो चुका है बेटा. अब इसका रोल समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं बेटा. जैसे कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया तो उसने एक नया सेक्शन 76A डिपॉजिट्स के चैप्टर में इंट्रोड्यूस किया. सर 76A वाई 76A? बेटा जब भी कोई नया सेक्शन आता है तो उसको एक एग्जिस्टिंग एक्ट में इंट्रोड्यूस करने के गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारे रास्ते हो सकते थे जो गवर्नमेंट अवेल कर सकती थी. लाइक फर्स्ट वन वॉज कि उसे एक्ट के एंड में डाल देती. उस सेक्शन को एक्ट के एंड में डालने से पर बेटा क्या होता, उस सेक्शन को एक्ट के एंड में डालते तो जब भी हम डिपॉजिट्स का चैप्टर पढ़ रहे होते तो हमारे काफ़ी चांसेस थे कि हम वो सेक्शन स्किप कर जाते. दैट्स वाई कभी भी एक नए सेक्शन को एक्ट के एंड में नहीं डाला जाता. बेटा दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या था? दूसरा ऑप्शन था कि सेक्शन 76 के बाद सेक्शन 77 गवर्नमेंट नया सेक्शन डाल देती एंड उस 77 के बाद के जितने भी सेक्शन की सीक्वेंसेस हैं उसको गवर्नमेंट चेंज कर देती. तो बेटा ये किस लिए नहीं किया जाता? बेटा इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इससे उस सेक्शन के बाद के जितने भी सेक्शन हैं वट एवर आर द सक्सीडिंग सेक्शंस उनकी सीक्वेंस चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से आज तक हमने जितने भी सेक्शंस याद किए थे बेटा वो सारे चेंज हो जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा अगर गवर्नमेंट ने जितने भी फॉर्म्स निकाल रखे हैं MCA ने उनमें जहाँ भी सेक्शन रेफरेंसेस आ रहे हैं वो सब चेंज हो जाएंगे. तो दिस वॉज अ वेरी बल्की एक्सरसाइज. तो इसलिए कभी भी कोई अमेंडमेंट के लिए जो नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया जाता है वो इस तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता. उसको इंट्रोड्यूस करने का राइट वे क्या था? 76A. इसके बाद कोई लाना है गवर्नमेंट को 76B या किसी और सेक्शन में चेंजेस लाने हैं तो 177A 150A इस टाइप से इंट्रोड्यूस किया जाता है. तो दिस इज़ द रोल ऑफ एन अमेंडमेंट एक्ट. अब बेटा हम बात करेंगे कंपनीज अमेंडमेंट बिल की जो गवर्नमेंट लाने वाली है. उसके लिए हमें उसकी जर्नी समझनी पड़ेगी बेटा कि इसका रोल क्या है. तो सबसे पहले बेटा कंपनीज अमेंडमेंट बिल लोकसभा में मार्च 16, 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था. उसमें कुछ लूप होल्स थे, कुछ फर्दर डेलिब्रेशंस के पॉइंट थे, इसलिए गवर्नमेंट की एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस. वो बिल स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस को फर्दर एनालिसिस के लिए भेज दिया गया था 12 अप्रैल को. उस पे स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस ने फर्दर डेलिब्रेशंस करके अपनी रिपोर्ट दी थी नवंबर 30th को. सो 30 नवंबर 2016 को स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस की रिपोर्ट आ गई थी. उस रिपोर्ट के बेसिस पे बिल में फर्दर चेंजेस किए गए एंड नया बिल कंपनीज अमेंडमेंट बिल 2017 की फॉर्म में लोकसभा में जुलाई 27, 2017 को पास हो गया था. तो सर लोकसभा ने तो पास कर दिया, क्या राज्यसभा ने भी पास कर दिया?
हाँ बेटा, राज्यसभा ने भी उसको दिसंबर 19, 2017 को पास कर दिया था। अब यहाँ पे हमारे सीएस स्टूडेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, अगर तो 31 दिसंबर 2017 तक प्रेसिडेंट ने इसे असेंट कर दिया होगा तो ये हमारे जून 2018 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। बट बेटा यही हमारा प्रेसिडेंट की तरफ से गिफ्ट है कि इस अमेंडमेंट एक्ट को अभी तक हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने पास नहीं किया है, उनकी असेंट अभी तक अवेटेड है, जिसकी वजह से जून 18 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स के लिए ये अमेंडमेंट बिल एप्लीकेबल नहीं होगा। सर क्या दिसंबर 18 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा? बेटा अभी तक प्रेसिडेंट का असेंट नहीं आया है, बट बड़ी जल्दी होपफुली प्रेसिडेंट का असेंट आ जाएगा एंड पूरे पूरे चांसेस हैं कि दिसंबर 18 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स के लिए ये बिल एप्लीकेबल होगा। एंड डोंट वरी, क्लास में बड़ी थरली इसको कवर किया जाएगा। सर ये बिल कितना क्रूशल है? बेटा ये बिल बहुत ज़्यादा क्रूशल है। इस बिल से कंपनीज एक्ट के एग्जिस्टिंग अराउंड 50 सेक्शंस इम्पैक्ट होंगे। उन सारे चेंजेस को बेटा हम अभी कवर तो नहीं कर सकते, वो सब हम क्लास में कवर करेंगे, बट फॉर आर नॉलेज पर्पज उसके कुछ की हाईलाइट्स को हम देखते हैं। फर्स्ट हाईलाइट विल बी, उस बिल में बेटा जितने भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स एक प्रोस्पेक्टस में कंपनीज एक्ट में ले डाउन किए गए हैं उसे सेबी से अलाइन किया गया है। सेबी से अलाइन करने का मतलब बेटा सेबी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स प्रोस्पेक्टस के रिगार्ड में ले डाउन करता है कि आपको ये सब डिस्क्लोजर्स करना है, तो कंपनीज एक्ट में जो रिक्वायरमेंट्स है उसे सेबी की रिक्वायरमेंट से अलाइन कर दिया गया है। सेकेंड इज बेटा ओमिशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ फॉरवर्ड डीलिंग एंड इनसाइडर ट्रेडिंग। फॉरवर्ड डीलिंग का बेटा सेक्शन 194 एंड इनसाइडर ट्रेडिंग का सेक्शन 195, इन दोनों को ये कंपनीज अमेंडमेंट बिल पास होने के बाद कंपनीज एक्ट से ओमिट कर दिया जाएगा। सर क्या ये सेक्शन रेलिवेंट नहीं है जो इन्हें ओमिट किया जा रहा है? बेटा ये सेक्शन काफ़ी रेलिवेंट है, बट इन सेक्शन के प्रोविजन्स ऑलरेडी सेबी की रूल्स एंड रेगुलेशंस में लेड डाउन है। दैट्स वाई इसका कंपनीज एक्ट में उतना यूज नहीं है, बिकॉज सेबी ऑलरेडी उसे अब कवर कर रहा है। दैट्स वाई कंपनीज एक्ट से इन सेक्शंस को हटाया जा रहा है। अदर चेंजेस आर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्राइवेट प्लेसमेंट प्रोसेस। सेक्शन 42 होता है बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट का, उसके रिक्वायरमेंट्स को सिंप्लीफाई किया गया है, तो आज से अगर कंपनी को एक प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो वो कंपेरेटिवली ईजी हो जाएगा एज सून एज दिस बिकम्स एन एक्ट। नेक्स्ट विल बी डूइंग अवे विद द रिक्वायरमेंट ऑफ रेटिफिकेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। बेटा सेक्शन 139 होता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का, जो ये कहता है कि हर साल आपको ऑडिटर की अपॉइंटमेंट को शेयर होल्डर से रेटिफाई कराना जरूरी होता है, तो इस रिक्वायरमेंट को भी इस बिल के थ्रू डू अवे विथ कर दिया जाएगा। अदर चेंजेस आर, दिस वन इज वेरी क्रूशल बेटा, कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्शन 185। सेक्शन 185 डील्स विद लोन्स टू डायरेक्टर्स। कंपनीज एक्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंड कॉरपोरेट्स में सबसे ज़्यादा क्रूशल सेक्शन ये माना जाता है। इस पूरे के पूरे सेक्शन को ही बेटा बदल दिया जाएगा इस बिल के थ्रू। तो जितने भी हम आज तक एनालिसिस करते थे कि डायरेक्टर्स को लोन दे सकते हैं नहीं दे सकते, कब दे सकते हैं, वो पूरा का पूरा बदल जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। अदर इंपॉर्टेंट चेंजेस विद रिगार्ड टू द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी। सेक्शन 2 क्लॉज 76 बेटा रिलेटेड पार्टी से डील करता है, उसकी डेफिनेशन को एक्सटेंड कर दिया गया है, चेंजेस लाए गए हैं, जिसकी वजह से जो सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का होता है वो भी इम्पैक्ट होगा। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चेंज। तो दीज आर वेरी फ्यू चेंजेस कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट के जो बहुत क्रूशल हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे चेंजेस हैं, बट जून 18 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो एप्लीकेबल नहीं होगा। दिसंबर के लिए कब एप्लीकेबल होगा? जब ये सारे चेंजेस प्रेजिडेंट असेंट, इन सब चेंजेस के लिए प्रेजिडेंट अपनी असेंट दे देंगे। वंस अगेन आई एम सेइंग दीज ऑल आर अभी इन द फॉर्म ऑफ बिल। एज सून एज प्रेजिडेंट गिव्स देम हिज असेंट, वो बन जाएगा एक्ट एंड तब एनफोर्स होगा। सो दिस वॉज द फर्स्ट गिफ्ट फ्रॉम आवर ऑनरेबल प्रेजिडेंट इन रिगार्ड्स टू कंपनीज एक्ट। सेकेंड गिफ्ट के लिए बेटा हम अब नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे, तो उस वीडियो का वेट करें कि सेकेंड गिफ्ट MCA ने हमें कौन सा दिया, वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। Subscribe our channel for more videos and press the bell icon for getting the latest updates.